हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम सब भी एकदम बढ़िया है। और आज संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। तो आज अभी फ़िलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं, मतलब लगभग 11 बज रहा है, 11:30 बजे हम उठे, बहुत ही ज़्यादा सोए भी एक्चुअली लेट थे, मूवी वूवी देख रहे थे तो लेट सोना हो गया था। तो अभी फ़िलहाल हम उठ चुके हैं और मैं बना रही हूँ पास्ता, वो जो पेने पास्ता आता है ना, लंबा वाला, पाइप वाला, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ पास्ता और आज मैं जाऊँगी मूवी देखने अपने हस्बैंड के साथ, और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक काफ़ी अच्छी मूवी लगी हुई है, काफ़ी लोग उसका रिव्यू दे रहे हैं कि अच्छी 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 है। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन में बताना कि मैं किस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ। और उसके अलावा फिलहाल तो अभी मैं जाके किचन में पास्ता बनाती हूँ, उसके बाद हम फटाफट से नहाएंगे, रेडी होंगे और निकलेंगे हमारी मूवी डेट के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस फाइनली मेरा पास्ता बन गया है, मैंने टैंगी टोमेटो और चीजी पास्ता बनाया हुआ है, ये लग रही है उसकी कुछ शक्ल। अब मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। अच्छा बना है, कैसा बना पास्ता? बहुत अच्छा है, हस्बैंड को भी पसंद आया। तो अब हम लोग फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं, फिर हमें नहा के रेडी होके फिर निकलना है, तो फिर मैं आपको भी अपने साथ ले चलूंगी। A few moments later. हम लोग हो चुके हैं रेडी और अब हम निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा शो है 4:45 का और हम लोग जल्दी जल्दी करते करते भी फिर लेट हो गए, मतलब मेरी वजह से लेट हुए हैं। तो अभी हम लोग फटाफट से जल्दी निकलते हैं, अदरवाइज हमारा शो निकल जाएगा। तो फाइनली अभी हम लोग निकल गए हैं स्कूटी पे और अब हम जल्दी जल्दी से चलते हैं, अदरवाइज हमारा शो निकल जाएगा। अब मैं पहुंच के मिलती हूँ आपसे मॉल में। लोग फाइनली पहुंच गए हैं सिविक सेंटर, ये सिविक सेंटर वाला एरिया, यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी कुछ स्टॉल्स लगी हुई हैं कपड़ों की, यहाँ पे लेडीज जेंट्स, वैसे यहाँ पे ज़्यादातर जेंट्स के ही स्टॉल लगे हुए हैं कपड़े की, और क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक रहती है, इतनी कुछ खास नहीं रहती। और उधर है पीछे माता गुजरी कॉलेज, जो माता गुजरी कॉलेज से होंगे प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नहीं। और फाइनली हम आ गए हैं समदड़िया मॉल, ये मॉल हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसी मॉल से हमारी शादी हुई थी। तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं ऊपर। तो ये रहा पीछे मिस्टर डीआईवाई, जहाँ से मैंने शॉपिंग करी थी, जिसका व्लॉग आई होप आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नहीं देख रहे तो प्लीज एक बार जरूर देखना। और यहाँ पे सोच एक ब्रांड है, ये कम कपड़े वाला, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शंस है। मैंने यहाँ से एक दो सूट लिए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे है मेरे पीछे इजी बाय, ये है इजी बाय, और यहाँ पे और भी छोटी छोटी अलग अलग दुकानें हैं जहाँ पे अच्छा सामान मिल जाता है। इवन दिस मॉल कंसिस्ट ऑफ मैक्स स्टोर एज वेल, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन है कपड़ों के, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ से भी मैंने काफ़ी सारे कपड़े खरीदे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे, हम एक्चुअली ना पास वाले सिनेमा में जाने वाले थे बट वहाँ का शो सारा बुक हो चुका था। हम आए एक्चुअली एनिमल मूवी देखने, आप लोगों ने अभी तक गेस कर ही लिया होगा, इसलिए हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। समदड़िया मॉल हमारे यहाँ थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, बट ठीक है, कभी कभी दूर आना भी चलता ही है, मज़ा आ रही है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं हॉल में और अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुई है, मूवी स्टार्ट होते ही तो मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाई दूंगी। अभी हुआ इंटरवल, अभी हम लोग थोड़ा वॉशरूम वगैरह गए थे बट अभी हमें कुछ खाने वगैरह के लिए भी कुछ लेना है, तो लाइट से अभी क्या मिलता है। एक तो भीड़ इतनी ज़्यादा ना कि लाइन में लगने की इच्छा भी नहीं हो रही है, तो अभी वैसे दे सोच रही हूँ पॉपकॉर्न ले लूँ क्योंकि और कुछ तो मेरा मन है नहीं वैसे खाने का। तो अभी मैं चलती हूँ, पहले पॉपकॉर्न लेती हूँ, लाइन में अभी लगना पड़ेगा, फिर जाते हैं हम फटाफट से अंदर।
अभी क्या हुआ ना, अभी हम लोग जब इंटरवल में बाहर आ रहे थे तो हस्बैंड ने ना मोबाइल निकाला, उसके साथ 500 रुपीस गिर गए और लकीली मैंने देख लिया, नहीं तो 500 रुपीस का आज तो नुकसान हो जाना था। और उसी 500 रुपीस से मैंने लिया है एक पॉपकॉर्न और ये कोल्ड ड्रिंक। अब चलते हैं फटाफट से अंदर, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कॉफ़ी लूँगी क्योंकि ठंड होती है, बट आज ना इन लोगों ने एसी बहुत कम करके रखा है तो अंदर गर्मी लग रही है एक्चुअली, तो इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक ले लिया। तो अब हम चलते हैं फटाफट से अंदर, अदरवाइज मूवी स्टार्ट हो जाएगी। आ जाओ। तो फाइनली हम लोगों ने मूवी देख ली है, मुझे तो मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर आप बर्गर या समोसा लेके अंदर जा रहे हो तो प्लीज केचप या चटनी मत लेके जाना, टोमेटो केचप आपको स्क्रीन से फेंक के ऑलरेडी मिल जाएगा, पूरा लालम लाल हो जाएगा। तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी, एक्शन मूवी थी, रोमांस भी था, थ्रिलर तो बहुत ही ज्यादा था, मुझे तो बहुत पसंद आई मूवी। मुझे वैसे भी एक्शन और थ्रिलर मूवीज, मर्डर मूवीज अच्छी लगती है, तो मुझे बहुत अच्छी आई। हस्बैंड से पूछते कैसी लगी, कैसी लगी मूवी? मूवी तो अच्छी थी गाइस, बहुत मतलब बढ़िया थी, सारी एडिटिंग वगैरह और जो भी एक्शन वगैरह था ना बढ़िया था एकदम, सस्पेंस भी था, बस एक था उसमें वायलेंस था बहुत सारा वायलेंस, लेकिन पुलिस वाला नहीं है उस मूवी में ना, एक भी पुलिस वाला नहीं है जितना वायलेंस हो रहा है ना कोई आर्मी है ना पुलिस है, बस नॉर्मल लोग जो है ना वायलेंस कर रहे हैं वही है। बाकी मूवी अच्छी थी और उसका पार्ट टू भी आने वाला है, उसका पार्ट टू का भी लास्ट में हमको सारे लोग उठ के चले गए थे ना, हम लास्ट तक देख रहे थे तो हमें पता चला, वो लास्ट में दिखाते हैं ना टीजर साइड, तो एनिमल पार्क के नाम से सेकंड पार्ट भी आने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आई एम सो एक्साइटेड। अभी चलो मॉल आई है तो घूम भी लेते हैं, देखते हैं अगर कुछ अच्छा लगेगा तो शॉपिंग भी कर लेंगे। तो पहले हम जा रहे हैं मैक्स में। फ्रेंड्स हम लोग गए थे इससे पहले मैक्स में, बट मैक्स में साइज़ मिला नहीं जो पसंद आई, और तो और बाकी जैकेट्स हमें पसंद नहीं आ रही थी, तो अभी हम आ गए हैं रिलायंस ट्रेंड्स में। तो अभी हम लोग फिलहाल मॉल से आ गए हैं बाहर और जा रहे हैं अब घर, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 8:30 बज रहे हैं। मूवी तो अच्छी थी, हम लोगों को कुछ कपड़े लेने थे, मतलब हस्बैंड के लिए जैकेट लेनी थी एक और विंटर जैकेट, बट जो पसंद आई उसमें साइज़ नहीं मिला, और बाकी दूसरी जगह गए तो वैसी जैसे जैकेट चाहिए थी हमें वैसी अवेलेबल थी नहीं। तो अब हम निकलते हैं सीधे घर, क्योंकि लेट भी हो रहा है और खाना भी खाना है। हम लोग बाहर से फिलहाल कुछ नहीं खा रहे क्योंकि मन भी नहीं है, अब जाके डायरेक्ट घर में जाके खाना खाएंगे। तो अब मिलती हूँ मैं आपसे घर पहुँच के। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मैं अभी हाथ मुंह धो के चेंज कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे कि मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगा, तो अभी देखते हैं कितना मतलब पिज़्ज़ा बन पाता है या नहीं बन पाता है। अगर अच्छा बनेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं अच्छा बनेगा तो मैं चुपचाप खा लूंगी पर मैं दिखाऊंगी नहीं, सॉरी। तो पहले चलो चेंज कर लेते हैं और मुँह हाथ धो लेती हूँ क्योंकि थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा, भूख भी लग रही, तो इनसे बोलूँगी जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा बनाओ ताकि जल्दी जल्दी हम लोग पेट पूजा कर सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे चेंज करने के बाद। 5 hours later. फ्रेंड्स ये रहा पिज़्ज़ा जो मेरे हस्बैंड ने बनाया था, बहुत ही टेस्टी यम बना था, आई लव इट। ये था हमारा व्लॉग, आई होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।